नमस्ते व्यूअर्स, आई एम ममता केंतुरा एंड यू आर वॉचिंग कैंट मैम जापान। आज के मम विचारम में हम जानेंगे कि होश संभालना किसे कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपने कभी किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि जब से मैंने होश संभाले, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। तो हकीकत में होश संभालना किसे कहते हैं? अब पहले के ज़माने में था कि प्रॉपरली आप स्कूल कीजिए, फिर आप कॉलेज कीजिए, फिर आप नौकरी पे जाएंगे। अब पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। आज के ज़माने में बच्चों को स्कूल डेज से ही समझ में आ जाना चाहिए कि होश संभालना किसे कहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना किसे कहते हैं, पैसे कमाना किसे कहते हैं। आज के बच्चों में अब ऐसा हो गया है कि भैया पहले तो मैं स्कूल करूंगा, फिर पेरेंट्स मुझे अच्छे से कॉलेज कराएंगे, फिर मैं नौकरी पे जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कॉलेजेस करके 5-5, 6-6 साल तक घर पे बैठे रहते हैं। उनसे पूछो कि नौकरी क्यों नहीं लग रही, क्या हुआ, क्या बात है, आप घर पे ही हैं? तो वो कहते हैं कि भैया अभी नौकरी नहीं लगी, अभी कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही, एग्जाम्स दे रहा हूँ, एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे। क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के माइंड में सेट हो रखा है कि पहले उसको प्रॉपरली स्कूल करना है, फिर वो अच्छे से आराम से कॉलेज करेगा, फिर जाके जो है कहीं नौकरी मिलेगी तो नौकरी करेगा। ऐसे नहीं होता है। आपको स्कूल से ही बच्चों को समझाना पड़ेगा कि होश संभालना किसे कहते हैं। जो हम लोग स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है ज़िंदगी में। जब आप बाहर जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि हकीकत में ज़िंदगी की पढ़ाई क्या है। वो आप सिर्फ तभी महसूस कर सकते हैं जब आप चार दीवारी के बाहर जाएंगे। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरा बाबू, मेरा सोना, अच्छे से हर चीज़ उसको कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, तो बच्चे को भी हैबिट हो जाती है उस कंफर्टेबल जोन। उसका मन नहीं करता कि उस कंफर्टेबल जोन से वो बाहर निकले। अगर यही चीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, जापान, हर एक डेवलप कंट्रीज़, उसमें अगर ऐसे ही बच्चे सोचने लग जाए कि भैया मैं तभी बाहर निकलूँगा जब मेरी प्रॉपरली कॉलेज हो जाएगी, जब मुझे अच्छे से कोई कहीं पर कोई कंफर्टेबल जोन वाली नौकरी मिलेगी, मैं तब निकलूंगा, तो वो कंट्रीज़ वहाँ नहीं होती जहाँ पे वो आज हैं। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनको समझाया नहीं जाता, क्योंकि उनको पता नहीं है हकीकत में। तो स्कूल डेज से ही पेरेंट्स को उन्हें चैलेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब 11th 12th में बच्चा आ जाता है, 11th 12th में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में। बच्चा को पता होता है कि क्या है, कैसा है, कैसे चलती है दुनिया, लेकिन उसको नहीं पता है करेगा कैसे वो, क्योंकि वो तभी पता चलेगा जब वो बाहर निकलेगा घर के, है ना। तो 11th में ही उसको आप चैलेंज दीजिए कि भाई तू एक महीने के 500 से 1000 कमा के लाएगा, साथ साथ पढ़ाई भी करेगा। बहुत सारे छोटे मोटे काम कर सकता है बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ। पेपर फोल्डिंग के काम पे चलाएगा, कहीं शॉपकीपर में एज अ हेल्पर काम पे लग गया, तुम ट्यूशंस दे सकते हो अपने घर में, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी, रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, यू कैन डू एनीथिंग। दम होना चाहिए लेकिन करने का, वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे कर दिखाना है कुछ। हमेशा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो, इंडिपेंडेंट भी हो जाओ। स्कूल के डेज से ही आप इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। और ये चीज़, ये बदलाव तब आएगा जब पेरेंट्स मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि बदलाव अपने खुद के घर से ही आता है। आई होप आपको बातें अच्छी लगी हों और आप समझेंगे। थैंक यू, नमस्ते, माता ने।